शेफ क्या बनाने दे रहा है, कितना चिल्ला रहा है आपको, क्या बना है इसके अंदर, कुछ स्वाद नहीं है, नमक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा बना के दो दिया। अरे क्या ये कुछ भरा नमक नहीं है उसमें और उसको पसंद नहीं आ रहा है। हाँ जैसा चिकन बनाऊंगा कि कस्टमर याद रखेगा, 2-3 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। पहले साल है यहीं घुसे लूंगा, ले ले जूठे बर्तन, ले पूरी नाली साफ करूंगा, पूरा गटर वटर सब साफ कर दूंगा आज इसी देर। ये ले, बहुत महंगे से फ्री का खाते हैं ना, आओ बेटा ले आओ, ये ले यहाँ की भी नाली साफ करूंगा पूरा इससे। ये ले गंदे पानी से पूरा साफ कर देता हूँ इसको, ये ले। अब बोल तो ये सारी प्लेटें साफ करूंगा इसी से आज। ये ले जितना झूठा है सब खिला दूंगा, खुशबू नहीं आ रही थी ना उसको, आज को खुशबू दिलाऊंगा, नाली की गटर की खुशबू सूंघेगा ना तो उसको पता लगेगा, किचन की पूरी नाली साफ करके खिलाऊंगा। ऐसे काटूंगा चिकन को भी याद रखेगा, साले को चर्बी चर्बी खिलाऊंगा, चिकन के पीस नहीं खिलाऊंगा, एक पंख दो पंख खिला दूंगा और बाकी उसकी गर्दन वर्दन काट के बोलता ना हॉलीवुड की डिश खिलाऊंगा, पूरी हॉलीवुड की। बहुत खाने का होता है ना, मतलब कॉन्टिनेंटल चाहिए, कॉन्टिनेंटल आज खिला दूँ तेरे को, कॉन्टिनेंटल डिश खिलाऊंगा याद रखेगा। देख साले जरा भी गैस अब मैंने डालता तेल, कोई सड़ा हुआ तेल डालूंगा, कम से 5-4-5 महीने पुराना, जो हम सड़ा हुआ तेल रखते ना कंटेनर में बचा हुआ वो तेल डालता हूँ साले में। मतलब चिकन सिर्फ चर्बी और पंख डालूंगा साले में, चर्बी और पंख ही खिलाऊंगा साले को आज। ये ले खा बेटा, ये विदेशी डिश खाएगा, हॉलीवुड की डिश खाएगा, आज खिलाता हूँ तेरे को हॉलीवुड की डिश। आज पता लगेगा कि शेफ से कैसे पंगा लेते हैं। ये ले तेल ही तेल खा, हॉलीवुड डिश चाहिए ना। ये ले सड़ा हुआ पल्प, ले सड़ा हुआ स्ट्रॉबेरी पल्प, ले सड़ी हुई काली, ए ले सड़ा हुआ धनिया, ए ले थोड़ा नमक भी कम था। हाँ शेफ थोड़ा कम था, नमक कम था, अब खाओ ओरिजिनल नमक। जा लेके जा। शेफ इस बार कोई गड़बड़ नहीं प्लीज, बहुत गड़बड़ वाला कस्टमर, नहीं तो मेरे को आपको ही खड़ा करना पड़ेगा उधर, ठीक है। तो दोस्तों कुछ शेफ इस तरीके से भी होते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से उसने चिकन बनाया और किस तरीके से वो कस्टमर खुश होके टिप भी दी। तो दोस्तों खाने को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, हाँ उसमें नमक कम है या कुछ कम है उसको अच्छे से बना के दोबारा दे सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि नया बना के दो, दूसरा बना के दो, तो कस्टमर के दिल में कुछ खोट था, उसको और खाना था, आधा तो खा चुका है लेकिन उसको और भी खाना था, उसकी जेब में पैसा नहीं है फिर भी उसको चिकन खाना है। और कुछ कस्टमर जानबूझ के बाल डाल देते हैं, तो कुछ कस्टमर जानबूझ के पत्थर डाल देते हैं, तो वो कंप्लेंट करते हैं, इस तरीके की कंप्लेंट करते हैं कि आपके इसमें ये है, आपके इसमें वो है। तो जब शेफ को अगर गुस्सा आ गया, किसी शेफ को अगर पता लग गया कि इसने ऐसा किया है, जबकि वो शेफ अच्छा से बना के दे रहा है, जो रेगुलर बना के दे रहा है, बराबर मटेरियल के साथ बना के दे रहा है, फिर भी वो बोलता है कि नहीं बेकार है, तो उसके साथ कुछ शेफ इस तरीके से भी बर्ताव करते हैं, तो सावधान रहिए, ऐसा कुछ ना कीजिए जो आप को आपके पीछे कुछ भी हो सकता है।
जिस तरीके से चिकन बना है उस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग दस लगा सकते हैं, सोडा डाल सकते हैं, कई तरीके की चीजें होती है होटल्स के अंदर जो तबीयत भी खराब कर सकती है आपकी। तो दोस्तों ऐसा ना कीजिए कि किसी शेफ को बुरा लगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।